नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया विश्व योगा दिवस मना रही है। हमारे जीवन में योगा और योग से होने वाले फायदों के बारे में बताने के लिए इस खास दिन को मनाया जाता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्यक्रम जिसमें हम योगा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज योगा दिवस है, ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। तो चलिए जानते हैं योगा शब्द के अर्थ के बारे में। योग संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अर्थात योग में इतनी शक्ति होती है कि यह सबको अमरत्व की प्राप्ति करा सकता है। कुछ लोग योगा को भ्रमवश साधारण आसन समझ लेते हैं, पर यह उनसे कहीं बढ़कर है। योग प्रमुख रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया जाता है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। यह एक विज्ञान है क्योंकि यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है, जिससे गहन ध्यान संभव है। और यह एक कला है, जब तक यह सहज रूप से और संवेदनशील रूप से अभ्यास नहीं की जाती, यह केवल सतही परिणाम देगा। योग केवल मान्यताओं की ही प्रणाली नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के एक दूसरे पर प्रभाव को ध्यान में रखता है और उन्हें आपसी सद्भाव में लाता है। योग प्राणायाम या ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रसार का काम करता है। योग सिखाता है कि कैसे सांस नियंत्रण के माध्यम से मन और जागरूकता के उच्च स्थान को हासिल किया जा सकता है। योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब होता है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। योग या एकता आसन प्राणायाम, मुद्रा, बंध, पष्टकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक ऐसा तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर यानी फिजिकल बॉडी को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करती, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में काम करने लगती हैं। बाहरी शरीर यानी फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। पिछली सदी में हठ योग, जो कि योग का सिर्फ एक प्रकार है, बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हो गया था। लेकिन योग के सही मतलब और संपूर्ण ज्ञान के बारे में जागरूकता अब लगातार बढ़ रही है। सच में योग अपने आप में मानव जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमने योगा के बारे में विस्तार से जाना। हमने जाना कि योग में कितनी शक्ति होती है। ये शारीरिक मानसिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी हमारा विकास करता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे योगा के शुरुआत के बारे में। हम जानेंगे कि योगा की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या रहा है। <S1)>
योग के खोजकर्ता के विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि योग का प्रारंभ हमारे देश भारत से जुड़ा हुआ था। भारतीय ऋषि पतंजलि द्वारा योग दर्शन पर लिखे गए 2000 वर्ष पुराने योग सूत्र को मन और भावनाओं को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का एक संपूर्ण गाइड माना जाता है। योग सूत्र योग का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है और अस्तित्व में सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। यह सभी आधुनिक योगों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। योग अपनी मुद्राओं और आसनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिटनेस योग का प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, अपितु साधना के साधकों और अनुयायियों ने अन्य प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि श्वसन विधियां और मानसिक ध्यान का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार करना। इतने पुराने इतिहास के बाद भी 19वीं शताब्दी के अंत में योग को लोकप्रियता प्राप्त होनी शुरू हुई। 1920 और 1930 के दशक के बाद पहले भारत में और बाद में पश्चिम में योग में रुचि का विस्फोट हुआ। योग की शुरुआत एक प्राचीन प्रथा के रूप में हुई थी, जिसकी उत्पत्ति के नमूने भारत में 3000 ईसा पूर्व योग मुद्राओं के पाषाण नक्काशीदार आंकड़े सिंधु घाटी में पाए जाते हैं, जो मूल मुद्रा और प्रथाओं को दर्शाते हैं। दिव्य ज्ञानोदय के मार्ग पर हृदय और आत्मा के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए योग का विकास किया गया। साथ ही यह पता चला कि योग से मधुमेह यानी डायबिटीज और उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों का इलाज करने और शारीरिक चोटों और पुराने दर्द को कम करने में भी सहायता मिलती है। योग के कारण बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में भी मदद मिलती है। और जैसे जैसे योग भारत के बाहर और इतने सारे अलग अलग संस्कृतियों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वैसे ही इस प्रथा को कई अलग अलग स्कूलों में शिक्षाओं और साधनों में भी बदल दिया गया है। योगा का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारत में योगा का महत्व हमेशा से ही खास रहा है। ऐसे में हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर योगा से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं योगा से जुड़े लाभ के बारे में। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खास तौर पर वहाँ जहाँ आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। HIV पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर में अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। ज्यादातर लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है, योग बुरी आदतों के प्रभावों को उलट देता है, जैसे कि सारे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल फोन को ज्यादा इस्तेमाल करना, व्यायाम न करना, गलत खानपान रखना आदि। इनके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग अलग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। सभी बातों को जानने के बाद अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सच में योगा बहुत ही गुणकारी है और कहीं ना कहीं अब आपके मन में भी योगा करने की लालसा जाग रही होगी। पर सावधान, योगा अपने आप में दिलचस्प के साथ साथ एक साधना भी है और साधना के लिए नियमों का पालन
जरूर करना चाहिए। तो अगर आप योगा करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि योगा के क्या नियम होते हैं, इसे कब और कैसे किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे योगा करने के सही तरीकों के बारे में। योग करने के लिए सही समय और तरीके की जरूरत होती है। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटे योग के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन ना हो तो सूर्यास्त के समय भी आप योग कर सकते हैं। इसके अलावा कई बातों का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले दिन का एक समय योग के लिए निर्धारित करें तो वह हमारे लिए उत्तम होगा। सभी आसन किसी योगा मैट या दरी को बिछा कर ही करें। अगर आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क में कर सकते हैं तो उसे जरूर करें, वरना घर पर भी करें। बस इतना ध्यान रखें कि जगह ऐसी हो जहां आप खुलकर सांस ले सके। इसी के साथ कुछ सरल नियमों का पालन करना भी हमारे लिए जरूरी है, जिनका पालन करके योग अभ्यास का हमें पूरा लाभ मिल सकता है। किसी गुरु के निर्देशन में योगा अभ्यास शुरू करें। सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योगा का सही समय है तो इसे तभी करें। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। वहीं योग को खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ न खाएं। आरामदायक सूती वस्त्र पहनकर ही योगा करें। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सभी बुरे ख्यालों को दिमाग से निकाल दें। किसी शांत वातावरण या साफ जगह में ही योगा का अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित करें। वहीं योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। धीरज रखें, योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। वहीं निरंतर योग का अभ्यास करें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ न खाएं और 1 घंटे तक नहाएं भी ना। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर तकलीफ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास वहीं रोक दें। योग अभ्यास के अंत में हमेशा शवासन करें। अगर आप योगाभ्यास जीवन में पहली बार शुरू कर रहे हैं या योग से ज्यादा परिचित नहीं है तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। अपने योगाभ्यास को धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। अगर आपके शरीर में लचीलापन कम है तो आपको शुरुआत में अधिकतर आसन करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप पहले पहले आसन ठीक से नहीं कर पा रहे तो चिंता ना करें। सभी आसन दोहराव के साथ करें। जिन मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव कम है वह सब धीरे धीरे लचीले हो जाएंगे। अपने शरीर के साथ जल्दबाजी और जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। शुरुआत में आप सिर्फ वही आसन कर सकते हैं जो आप आसानी से कर पाएं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी श्वास लयबद्ध होनी चाहिए। शुरुआत में हमेशा 2 आसन के बीच कुछ सेकेंड के लिए आराम जरूर करें। 2 आसन के बीच में विश्राम की अवधि अपनी शारीरिक जरूरत के हिसाब से तय करें। समय के साथ यह अवधि कम कर लें। ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, किंतु आप शारीरिक क्षमता के अनुसार यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपको मासिक धर्म के दौरान योगाभ्यास सूट करता है या नहीं। गर्भावस्था के दौरान योग किसी गुरु की देखभाल में करें तो वह आपके लिए बेहतर होगा। 10 वर्ष की आयु से कम बच्चों को ज्यादा मुश्किल आसन ना कराएं। किसी गुरु के निर्देश में ही योगा करें। खान पान में संयम बरतें। समय से खाएं पिएं। धूम्रपान सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर आपको तंबाकू या धूम्रपान की आदत है तो योग अपनाएं और इस बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें। वहीं अपनी नींद को जरूर पूरा करें। शरीर को व्यायाम और पौष्टिक आहार के साथ विश्राम की भी जरूरत होती है, इसलिए समय से सोएं।
बात हुई योग के सही तरीकों के बारे में। अगर हम इन सभी नियमों का सही से पालन करें तो हमारे जीवन में भी योग से काफी बदलाव आ सकते हैं। पर अब सवाल उठता है कि योगा कितने तरह के होते हैं, क्या इनमें सिर्फ एक ही विधा होती है या फिर इसके कई स्वरूप होते हैं। तो जवाब है कि योगा एक नहीं बल्कि चार तरीकों से होता है। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं चार स्वरूपों के बारे में और जानेंगे इनके बारे में विस्तार से। योग के चार प्रमुख प्रकार या योग के चार रास्ते होते हैं। पहला होता है राजयोग। राज का अर्थ शाही है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के आठ अंग हैं, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा है अष्टांग योग। इसे योग सूत्र में पतंजलि ने उल्लेखित किया है। यह आठ अंग इस प्रकार हैं: यम यानी शपथ लेना, नियम यानी आचरण का नियम आसन, प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार यानी इंद्रियों का नियंत्रण, धारण यानी एकाग्रता, ध्यान यानी मेडिटेशन और समाधि यानी परमानंद या अंतिम मुक्ति। राजयोग आत्मविवेक और ध्यान करने के लिए तैयार व्यक्तियों को आकर्षित करता है। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है, यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के लिए योग का अर्थ ही है आसन। किंतु आसन एक प्रकार के योग का सिर्फ एक हिस्सा है, योगासन अभ्यास से कहीं ज्यादा है। वही दूसरा होता है कर्मयोग। अगली शाखा कर्मयोग या सेवा का मार्ग है और हम में से कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि आज हम अनुभव करते हैं कि हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है। इस बारे में जागरूक होने से हम वर्तमान को अच्छा भविष्य बनाने का एक रास्ता बना सकते हैं, जो हमें नकारात्मक और स्वार्थ से बाध्य होने से मुक्त करता है। कर्म आत्म आरोही कार्यवाही का मार्ग है। जब भी हम अपना काम करते हैं और अपना जीवन निस्वार्थ रूप से जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम कर्म योग करते हैं। वही तीसरा होता है भक्ति योगा। भक्ति योगा भक्ति के मार्ग का वर्णन है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हम सभी के लिए स्वीकार करने के अवसर प्रदान करता है। वही चौथा स्वरूप है ज्ञान योग। अगर हम शक्ति को मन का योग मानते हैं तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है, ऋषि या विद्वान का मार्ग है। इस पथ पर चलने के लिए योग के ग्रंथों और ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है और साथ ही साथ सबसे प्रत्यक्ष भी माना जाता है। इसमें गंभीर अध्ययन करना होता है और उन लोगों को आकर्षित करता है जो बौद्धिक रूप से इसमें इच्छुक होते हैं। योगा और इसके महत्व का ही प्रभाव है कि योगा को अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसलिए विश्व में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का भी खास महत्व है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इस खास दिवस की शुरुआत कैसे और कब हुई। तो चलिए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास के बारे में। पहली बार अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की। पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूर्ण बहुमत से पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों में से 177 ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दी। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। यह मनुष्य
और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य है। योग हमें विचार, संयम, पूर्णता के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपी एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को अपनाने की दिशा में काम करें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को 21 जून के दिन मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन को हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर में ढलता है, और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी होता है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। इस दिन करोड़ों लोगों ने योगा किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 35,000 से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर करीब 30,000 लोगों ने एक साथ योगा किया। इस खास आयोजन ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के एक साथ योगा करने और दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के लोगों द्वारा इस समारोह में हिस्सा लेना। पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें करीब 35,000 लोग शामिल हुए। इस आयोजन का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योग दिवस में 170 देशों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरे योग दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़े। वहीं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 का मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में किया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 55,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी हजारों लोगों ने एक साथ योगा किया। वहीं तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योगा। उसके बाद चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन की खास बात यह थी कि इसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम रही शांति के लिए योग। वहीं देश में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। बात करें छठे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, तो कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और अब इस साल मनाए जाने वाले सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 की केंद्रीय थीम है योग के साथ रहें, घर पर रहें। इस बार भी इसे आभासी मंच पर ही मनाने की तैयारी है। आज हमने जाना योगा के बारे में विस्तार से। सच में योगा अपने आप में आत्मा को परमात्मा से मिलवाता है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को प्राइम टीवी की तरफ से योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में योगा को अपनाएं। धन्यवाद।